अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता करने के बाद, चाय पीने के बाद लोग रेडी हो चुके हैं और तमाम दोस्त रेडी हैं और इंशाल्लाह अगले 10 मिनट में हम लोग यहाँ से मूव करेंगे जी। तमाम दोस्त नीचे पहुँच चुके हैं और गाड़ियों में सामान वगैरह रखा जा रहा है और इंशाल्लाह होप सो कि हम अगले 10 मिनट में मूव करने वाले हैं। चल चुके हैं, मैं अभी तक होटल के सेकंड फ्लोर पे हूँ और मुझे नीचे मूव करना चाहिए ताकि जल्दी से ट्रैवल शुरू हो सके और मज़े मज़े के सीन्स और मज़े मज़े की बातें हो सकें और इंशाल्लाह हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। और ये सारा सफर हम इंशाल्लाह 2 से 3 वीडियो में इंशाल्लाह क्लोज होगा और मतलब उस तरह से क्लोज नहीं होगा, हर वीडियो को प्रॉपर क्लोज नहीं होगा, यानी कि 3 से 4 एपिसोड इंशाल्लाह ज़रूर बनने वाले हैं। और यहाँ तक पहुँचने में जितना सफ़र था वो बहुत ही टफली था। अपनी गाड़ियाँ छोड़ने के बाद हम लोग किराए की गाड़ियों पर आ जाओ। अभी हम लोग जा रहे हैं जी ब्लू वाटर पार्क की तरफ और वली भाई पीछे एज यूजुअल स्मोकिंग करते हुए और अभी हम लोग और उजैर भाई को हम लोगों ने उधर से इधर लेके आए हैं, ये बड़ा इंजॉय कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगले को 5-10 मिनट में हम लोग अभी हम लोग जी पैर खड़ी करके रुके हैं और हमारी गाड़ी की ड्यूटी थी हम दोस्तों की, हमने यहाँ से जो थोड़ा सा यानी कि हाई टी का सामान है वो खरीदना, बिस्किट्स वगैरह, चिप्स वगैरह, पानी शानी हम लोग लेंगे, पैक चेक करवा रहे हैं और इसके बाद इंशाल्लाह निकलेंगे। और ये भाई जान हमारे आज के ड्राइवर हैं, ये हमें लेके जाएंगे एक्चुअल पॉइंट तक और हम लोग जा रहे हैं अभी ब्लू वाटर पार्क में, इसे चारपाई पार्क भी कहते हैं। और कितनी देर में पहुँच जाएंगे जी हम लोग? घंटे में इंशाल्लाह पहुंच जाएगा, इंशाल्लाह 1 घंटे में। और हो सकता है जिस तरह बाइक गाड़ी चलाते हैं और हम लोग 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। और नहीं नहीं ऐसे ही हम क्यों रहे हो, इत्माद रखो ना, डरना नहीं, नहीं है, लड़ना है भाई, कोरोना नहीं है इधर, हम कोरोना को मारना है। अच्छा ले लेते हैं, मैं कॉटन लेके जा रहा हूँ इसका नेवी का, तो ये देखिएगा दर्शक। हाँ जी, की करना पे हमें समान चौके खाना नहीं हो बाजू चौके खाना है, तेरे नौकर लगे ने वापस दे ऐसा रख दे। मैंने आप सब को कहा था नहीं, ये बंदा बड़ा बदतमीज है। जी जी बिल्कुल बदतमीज है, ये किसी एक ऐसे बंदे के साथ रहता है। आहो सफर शुरू हो चुका है और बारिश भी शुरू हो चुकी है, तो इंशाल्लाह 45 मिनट में हम लोग कहाँ पे होंगे? तो ना 1 घंटे में हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। 45 मिनट में कहाँ पहुंच रहे हो? ब्लू वाटर पार्क, चारपाई पार्क भी इसे कहते हैं। उशु भी जाएगा, उशु लोग ब्लू वाटर पार्क में पहुंच गए और सर्दी काफी और बारिश हो रही है और अभी मैंने भी मतलब के ना अपर पहन लिया है और अभी बारिश थोड़ी रुकती है तो फिर दोस्त वगैरह अभी गाड़ी में बैठे हुए कुछ एक तो बाहर आए तो रुकेगी, तो इंशाल्लाह फिर बाहर घूमते फिरते हैं। थोड़ा सा व्यू मैं आपको आगे तरफ जा रहा हूँ फिर दिखाते हैं। और यार मैं और कैसे भाई, यहाँ पे बच्चे अंडे बेच रहे और अंडे खाने शुरू कर दिए, कैसा लग रहा है? मैं आपको कहता हूँ बहुत अच्छा आदमी है। अंडे कितने? तो अभी अंडे खा रहे हैं और वली भाई रेन सूट निकाल रहे हैं। वली भाई इतनी भी बारिश नहीं यार, रेन सूट रहने दो। एक मिनट, तो ब्लू वाटर पार्क पहुंचने के बाद अब बारिश थोड़ी रुकी है तो सारे दोस्त बाहर निकल आए हैं और फोटो शूट चल रहा है, हर बंदा कहीं ना कहीं फोटो बना रहा है। और ये यहाँ पे कुछ सीन है इस तरफ, मान लीजिए हम लोग अभी यहाँ से अतरोड इधर से ब्लू वाटर पार्क से निकलेंगे और अभी जाएंगे अतरोड वैली की तरफ और पानी का शोर बहुत ज़्यादा, पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है नहीं पहुँच पा रही है। और ये दो बंदे पीछे रह गए थे, बाकी सारे लोग आगे की तरफ जा चुके हैं और अभी हम लोग चलेंगे। और कहाँ जा रहे हैं जी अभी हम लोग? अभी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, अतरोड वैली जा रहे हैं। अतरोड अतरोड वो कहाँ पे? बस यहाँ से तकरीबन हमें कोई 20 मिनट लगेंगे और इंशाल्लाह अतरोड में होंगे। इंशाल्लाह उधर खाई भी नहीं,
आइंदा से आएंगे ना जहब लाला को ही फोन लेके जाएंगे, बैक फोन करें। यार बड़े खतरनाक रास्ते हैं ये। जहेब लाला भाई बहुत जबरदस्त ड्राइवर है, मैं समझता था मैं बड़ा अच्छा ड्राइवर हूँ, लेकिन नहीं भाई, मैं अपने आप को बनेगा समझता। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं भाई। तो ये पीछे भी है बहुत अच्छा सी व्यू और बड़ा मजा आया सी। और तस्वीर बड़िया तो बड़े सोनिया सही गल पहला अच्छा पॉइंट सू मिले गए परसों शाम को लैके हूं सही गल ट्रैवल किया लेकिन मजा आप सुन। अभी हम लोग गाड़ियों से निकले हैं जी और पहुंच चुके हैं यहाँ पे अतरोड़। अतरोड़ गांव क्रॉस करने के बाद हम लोग ये बैक साइड पे अतरोड़ गांव है और हम लोग इस वक्त यहाँ पहुँच चुके हैं। और इस पहाड़ी की अगर बैक साइड पे देखें तो यहाँ पे आता है बड़वई टाप, बड़वई टाप क्रॉस करते हैं तो आगे आप लोग चले जाएँगे कल कुमराड़ की तरफ। और दोस्त पहुँच चुके हैं और वीडियो वगैरह बना रहे हैं, फोटोशूट बना रहे हैं और हम लोग एक नया जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे थे मैं और वली भाई, तो हो सकता है कि हम लोग कामयाब हो जाएँ, कोई नया जुगाड़ करने की जो कोशिश कर रहे हैं। तो चलें दो तीन मिनट में आपको अपडेट करते हैं कि क्या जुगाड़ होने वाला है। तो फाइनली हम लोग जुगाड़ लगाने के बाद नीचे अतरोड़ थे और ये राज्य अतरोड़, और अतरोड़ से हम लोग ऊपर आ चुके हैं और बड़ा मज़े का सीन है और क्रॉस का व्यू है ऊपर। और हम लोग इस वक्त इस वादी का नाम है, क्या नाम बता रहा था जी मैं आपको आगे, नाम क्या बता रहा था आगे आपको, जामरा। तो जामरा ये पॉइंट है, इसके ऊपर अगर मजीद चलते जाएं इसी रास्ते पे तो आप बड़ोई टॉप क्रॉस करके तो कुमराड़ जा सकते हैं। और पैसे पूरे हो गए आने के, पैसे पूरे नहीं आने, नहीं नहीं, बड़ा जबरदस्त बड़ा क्लास का व्यू है ऊपर से पूरा नीचे यानी के नजर आ रहा है पॉइंट आपको जो है अतरोड़, सामने जहाँ बर्फ का पहाड़ है उसके नीचे कलाम, बड़ा यूनिक सा पॉइंट है। और अभी यहाँ पे फोटोशूट खींचेंगे और इंशाल्लाह अगले आधे पौने घंटे में यहाँ से इंशाल्लाह मूव करेंगे होटल की तरफ। तो अभी जी हम लोग यहाँ पहुँचने के बाद दोस्त फोटोशूट बना रहे हैं और हम लोग मैं और कैसर भाई नीचे आए थे, वीडियो वगैरह बना रहे थे, फोटो बना रहे थे और अभी यहाँ से ऊपर जाएंगे, बाकी दोस्त ऊपर हैं तो अभी ऊपर की तरफ शायद जंगल की तरफ जाते हैं या यहीं पे फोटोशूट बनाते हैं, इसके एग्जैक्टली तो पता नहीं है लेकिन अब ऊपर जाने के बाद डिसाइड करेंगे क्या होने वाला है। तो अभी हम लोग ऊपर आए थे ट्रैकिंग करते हुए और गाड़ियाँ वहाँ पे, बल्कि गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी करने के बाद ट्रैकिंग कर रहे थे, ऊपर की तरफ आए और यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फोटोज़ वगैरह बनाए। कुछ दोस्त अभी ऊपर की तरफ हैं और कुछ दोस्त नीचे जा चुके हैं और हम दो तीन बंदे अभी जा रहे हैं नीचे की तरफ और इंशाल्लाह नीचे गाड़ियों के पास पहुँचते हैं। और उसके बाद एक बंदा हमारा जी यहाँ पे बैट लगाने के बाद बकरा हार चुका है और वो भी दिखाते हैं कहाँ पर आ रहा है और जाके आपको दिखाते हैं कि क्यों आ रहा है। तो उसको आज शाम की पार्टी, आज शाम की पार्टी उसकी तरफ से होगी। सीन यहाँ पे ये था वली भाई को पार्टी पढ़ने का कि ये सामने जो बड़ा पत्थर नज़र आ रहा है तो अमजद भाई ने क्या किया था कि वली को सपोर्ट करके तो इसके ऊपर चढ़ाया और हम लोग अभी नीचे थे वहाँ जहाँ पे नीचे मोटरसाइकिल जा रही है, तो कहा जी इसके ऊपर जो भी बगैर सपोर्ट के चढ़ेगा उसको जी मैं एक यानी कि उसको पार्टी दूँगा और बकरा मेरी तरफ से होगा। और तलहा जो है वो बगैर सपोर्ट के ऊपर चढ़ गया और वली भाई को बकरा पड़ गया। और अभी मैं कैसर भाई से कह रहा हूँ, कैसर भाई को मैंने दो बकरे लेके देने हैं लेकिन मान नहीं रहे। क्या चीज़ नहीं 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 आप ऊपर चढ़ना नहीं पड़ेगा किसी जगह पे भी किसी पत्थर पे नहीं, मैं वैसे आपको दो बकरे लेके दूंगा आप मेरे साथ आए। यार नहीं मुझे समझ नहीं आ रही थी किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। गिर जाएगा इस तरह फिर क्या कर जाएंगे, रुक जाएगा अभी। फाइनली हम लोग यहाँ से मेडो से निकलेंगे और चलेंगे होटल की तरफ, तो सारी गाड़ियाँ लग चुकी हैं और इंशाल्लाह अगले 20 से 25 मिनट में हम लोग होटल में होंगे।
अभी हम लोग रुके हैं जी, गाड़ियाँ उस तरफ खड़ी हैं और हम लोग अतरोड बाजार में, और वहाँ पे मैंने तस्करा किया था जब मैं लास्ट टाइम आया था, हमने यहाँ से खाए थे चप्पल कबाब, तो तस्करा किया अफजाल भाई के साथ, इन्होंने कहा जब हमें खाने और अभी चप्पल कबाब हमारे तैयार हो रहे हैं। अभी हम लोग पहुंच गए जी रूम में, और सफर से थक हार के, और कुछ दोस्त गए हुए थे गोश्त वगैरह लेने, तो अभी कुकिंग खुद ही करेंगे, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में कुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी चेंज वगैरह कर लेते हैं और बिस्तर सेट कर लें, और उसके बाद बैठ के इंशाल्लाह गपशप होगी आज, आज क्योंकि ज्यादा लोग थके नहीं हुए और काफी देर तक इंशाल्लाह बैठे गपशप होगी। अभी रूम में हम लोग तकरीबन हार्डली 10 मिनट में पहुंचे हैं। नहीं यार मजाक के अलावा।